हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया डिश, लौकी की सब्जी, हेल्दी सब्जी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अभी ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बनाना। जो है आप उंगलियां चाटते रह जाओ कि अगर आप लौकी को इस तरह से बनाओगे ये इतनी स्वादिष्ट बनेगी। आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें बहुत ही अलग तरीका है बनाने का। ये देखिए, ये है लौकी, एक आधा किलो, सोचिए मतलब किलो के करीब होगी। एक बड़ी वाली मैंने ली थी। अब मैं इसमें ध्यान से देखिए क्या करने जा रही हूँ। नॉर्मल बेसिक तड़का तो सब लगाते हैं, लेकिन इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं डलेगा। लेकिन आप मेरे तरीके से बना के देखिए। ये देखिए, ये आधा चम्मच मैंने घी लिया है, देसी घी, ठीक है। इसके अंदर और हाफ टी स्पून के करीब सिर्फ आपको इतना ही अदरक लहसुन पेस्ट लेना है, जो आपके पास ऑलरेडी होता ही है तब सबके घर। 1 टीस्पून के करीब आपको सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून के करीब रेड चिली, कश्मीरी चिली पाउडर, नॉट रेड चिली पाउडर, वो भी आप मिक्स कर सकते हो। 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया, 2 डाल दीजिए, और सिर्फ एक पिंच गरम मसाला, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी घी डाला है इसके अंदर, तो आपको इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करना है, ठीक है। इसको मिक्स करके हम क्या करेंगे, एक 5 से 7 मिनट तक रख देंगे, ताकि हम तड़के की तैयारी करते हैं साथ में। तो अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से, ताकि इसका जो मसाला है जो मैंने बताया वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। और साथ ये देखिए, मैंने अभी जो है इसके अंदर टमाटर, कड़ी पत्ता और एक हरी मिर्च सिर्फ डाली है, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, 1 टीस्पून चना दाल, उड़द दाल एंड येलो मूंग की दाल, ये सब आपको एक एक टीस्पून पहले डाल देना है, और फिर 1 टीस्पून के करीब भर के हर जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है। अब टमाटर हमारे बिल्कुल जो है गल चुके हैं, अभी इसके अंदर जो मैंने ये आपको बताया था मैरिनेट करके आपको इसे डालना है, तो ये मैं अभी डालूंगी इसके अंदर तड़के के अंदर, क्योंकि एक ही टमाटर बिना प्याज के बनने वाली ये रेसिपी है गाइस, बहुत अच्छी टेस्ट करती है। और अभी मैं इसमें भर के 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट डालूंगी। पहले मैंने 1 टीस्पून डाला था, ठीक है ना, मैरिनेशन में। अभी दे देखिए, अभी आपको इसको अच्छे से हाई फ्लेम में अच्छे से कुक करना है, थोड़ा भुनना है मतलब, ठीक है। भुनने के बाद आपको इसमें सिर्फ 1/2 कप पानी के करीब डालकर, 1 कप या 1/2 कप आपके जितनी भी क्वांटिटी है डाल के, आप उसको ढक्कन लगा के 2 विसल देना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया गाइस, ये देखिए। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। ये बच्चे जिस तरीके से नहीं खाते ना ऐसी सब्जी, आप ये मेरे तरीके से बना के खिलाया करिए, देखना पक्का खाएंगे। ये आप राइस के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। इसको 5 मिनट तक अच्छे से भुनना है आपको। चलिए, मैं 1/2 कप के करीब जो है इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा डालना है, ठीक है। मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए अभी इसमें लिड लगा देंगे हम, और 2-3 विसल में अच्छे से होने दीजिए इसको। चलिए, मैंने लिड ओपन कर लिए हैं। अब हमारी लौकी की सब्जी बन के बहुत बढ़िया। थोड़ा पानी अगर ज़्यादा लगे तो आपको ऐसे सुखा लीजिए। अगर आप थोड़ी रस में सी खाते हैं, थोड़ी ग्रेवी टाइप, तो आप रख सकते हो, वरना मुझे तो ऐसे पसंद है, ये रोटी एंड चावल के साथ भी जाती है बहुत। थोड़ा ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे मैश कर लीजिए, ताकि थोड़े बड़े वाले जो लौकी के टुकड़े हैं अच्छे से मैश ही हो जाएंगे, तो अच्छा लगेगा खाने में। चलिए, गैस बंद करते हैं। चलिए, ये देखिए हमारी लौकी की शानदार हेल्दी सब्जी बनके इतनी अच्छी रेडी हो गई है कि आप खाओगे ना इस तरीके की बना के। मेथड सबके अलग अलग है, चीज वही है गाइस बनाने की, सब्जियां वगैरह सब सेम है, सब सेम है, लेकिन सबके तरीके अलग होते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर से थोड़ी सी देसी घी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी लौकी की रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।